प्रवास स्कीम से क्या वाकई में एज ए स्टूडेंट आपको फ़ायदा मिला है? आपने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को क्रैक किया है, रैंक 9 है। क्या प्रवास स्कीम शुरुआती दिनों में या आज तक आपकी इस पूरी जर्नी में एक पॉजिटिव साथ दे पाया है? सर, आई थिंक अगर प्रवास स्कीम नहीं होती तो मैं जो सोच रही थी अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने का, वो नहीं हो पाता। और मेरा था कि मुझे जम्मू में अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले तो वो उस लेवल का हो कि वो मेरी प्रिपरेशन को अच्छे से शेप कर सके। तो फाइनली जब मेरा रैंक अच्छा आया तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था चाणक्य आईएएस एकेडमी, वो मुझे मिल गया। जेके आईएएस के इम्तिहान का नतीजा सामने आ चुका है। एनी जी हमारे साथ हैं, रैंक 9 है, चाणक्य इंस्टीट्यूट की और एक स्टूडेंट जिन्होंने करके दिखाया। ओवेस जी एक और बार इंटरव्यू में हमारे साथ मुखातिब होंगे और जम्मू कश्मीर के तमाम उन युवाओं तक ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि प्रवास स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसी स्कीम के तहत इस बच्ची ने कोचिंग हासिल की है और अब जेकेएस का इम्तिहान का नतीजा सामने आया है तो रैंक 9 है इनके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवास स्कीम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स का। प्रवास स्कीम से जम्मू कश्मीर के इस बच्ची को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। मरकजी सरकार के साथ साथ वो अफसरान जिन्होंने इस प्रवास स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, आज उनकी वजह से एक बेहतरीन स्टूडेंट को एक बेहतरीन मुस्तकबिल मिल पाया है। एनी जी कंग्रेचुलेशंस टू यू, रैंक 9 आपको मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं आप कि आपकी स्टडी के दौरान में क्या स्ट्रेटजीज थी, किस तरीके का आपका प्लान था, क्या स्केड्यूल था, क्या टाइम टेबल आपने फ्रेम किया था खुद के लिए और उसके साथ साथ आपके मुख्तलिफ अलाइदा कामों के लिए? सर, मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी 2020 से, पर पहले मैं स्टिल सेल्फ स्टडी ही कर रही थी, बट ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी अपने खुद से। फिर प्रवास स्कीम आई और फिर मैंने जब उसमें भी मेरा 9th रैंक था तो उसमें भी प्रवास स्कीम में जब मैं इंटर हुई तो फिर मुझे एक एक्स्ट्रा एज मिला और मेरा प्रिपरेशन बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया। और स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो कंबाइंड स्ट्रैटेजी होती है प्रीलिम्स और मेंस की, आप अलग अलग नहीं ट्रीट कर सकते प्रीलिम्स को मेंस को। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आई थिंक आप किस तरीके की हॉबीज़ बनाते हो, आप जैसे मैं मेडिटेट करती थी, बुक्स पढ़ती थी, तो उसने भी मेरी पर्सनैलिटी को बहुत रिफाइन किया। प्लस मेरे लिए ओवर द प्रिपरेशन ये चीज़ बहुत मायने रखती थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो वो क्यों को समझने में मुझे काफ़ी आउट ऑफ फोकस ऑन योर गोल, कैसे अपने गोल पर फोकस करना है? सर, अपने गोल पे फोकस करना है तो सबसे पहले आपको वो वजह पता होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। जब आपको वो वजह समझ में आ जाएगी तो आपको वो बहुत इंस्पायर करता है अपने गोल की तरफ। बहुत लोगों की अलग अलग वजहें होती हैं, जैसे पेरेंट्स की स्ट्रगल देखी होती है, तो मेरे लिए भी कुछ ऐसी वजहें थी और जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो वो चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। तो इसीलिए मेरे को लगा था कि मैं करूँगी शायद, जैसे मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं थोड़ा निराश हुई, बट देन अगेन फिर अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में हुआ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं होता है मुझे ये बताएं। सेकंड में भी आप ही लोग कर लेते हैं और फर्स्ट में भी आप लोगों से नहीं हो पाता है, क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट में आप लोग नहीं कर पाते सेकंड में कर लेते हैं? सर, ऐसा डिफरेंस आई थिंक सबका अलग अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो थोड़ी और रिफाइन हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। तो कई चीज़ें रहती हैं, डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, तो जब आप उन चीज़ों को एनालाइज करते हो, आई थिंक फेलियर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेलियर आएगा तभी आपको समझ में आएगा सक्सेस की क्या वैल्यू है। तो जब आप फेलियर को एनालाइज करते हो तो जिन चीज़ों में आप पीछे होते हो आप उनमें आगे बढ़ते हो, तो यही रीज़न होता है। अच्छा, आप एक दिन में कितना टाइम पढ़ते थे, मतलब आपका स्टडी टाइम क्या रहता था, क्या पीरियड रहता था? सर, एज सच फिक्स्ड नहीं होता था, बट ये होता था ओके ऑन एन एवरेज मैं 7 to 8 hours पढ़ लेती थी। अच्छा, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, यूट्यूब वाली एजुकेशन है, आप इस पर कितना बिलीव करते हैं और खुद इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना, आप इस पर कितना बिलीव करते हैं? दोनों के अपने इम्पोर्टेंस है सर। ऑनलाइन एजुकेशन ने मुझे तब हेल्प किया जब मैं कोचिंग नहीं कर रही थी, बट ऑनलाइन एजुकेशन की एक लिमिटेशन होती है, एक वो किसी मामले में वो सीमित रहता है, बट जब आप ऑफलाइन कोर्स लेते हो, आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हो, ऑनलाइन कोर्स में आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते तो आपको अपनी गलतियाँ नहीं समझ में आएंगी जो टीचर पॉइंट आउट कर सकता है, तो उस वजह से ऑफलाइन मैंने तो दोनों का एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे आई थिंक दोनों ही ने हेल्प करा टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन। मेरा आपसे ये सवाल था यानी कि जैसे आपके साथ आपके कई सारे बैचमेट्स, आपके इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कई भाई, वो सब भी आपके साथ प्रिपेयर करते होंगे एंड यू नो जब रिजल्ट आता होगा तो शायद उनमें से कई सारे लोग रह जाते होंगे और वो लोग पिछले लगातार 2-3 साल से प्रिपरेशंस कर रहे हैं बट फिर भी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों पर जो है वो वर्क ज़्यादा करना चाहिए? सर,
मेरे हिसाब से सबसे पहले तो पॉइंट आउट करना चाहिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, किन चीज़ों में आप कमी आ रही है, और उन कमियों पे फोकस करना चाहिए. जैसे किसी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, किसी की फैक्चुअल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं होती है, या किसी को रिमेम्बरेंस में प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है, सोचना जरूरी है कि हम कहाँ रह रहे हैं, उन पे काम करना जरूरी है. मेरा ये भी सवाल है आपसे कि जैसे अभी जस्ट आपका इम्तिहान का नतीजा आया है, तो रैंक 9 है आपकी, क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपकी कि रैंक 9 ही मिलेगा या 1 से 5 की रैंक में होंगे? क्योंकि मेहनत भी की होती है ना इंसान ने, तो उस हिसाब से भी इंसान को महसूस होता है कि नहीं मेरी ये रैंक आ सकती है. एम आई राइट? सर, जो फर्स्ट फेलियर था वो आपको हम्बल बना देता है, तो उस मामले में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते नहीं हो. बट लेकिन वही फेलियर है वो आपको मेहनत करने पर वो करता है, फोर्स करता है, तो आप मेहनत करते हो. तो इतना नहीं सोचा था, ये सोचा था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है तो कहीं ना कहीं तो आ जाऊंगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि टॉप 10 में होगा. अच्छा, ये मटेरियल वगैरह कहाँ से कलेक्ट करते थे आप? सर, मटेरियल कुछ तो मेरे नोट्स थे जो मैंने पहले से बना के रखे थे, और कुछ तो मैं ऑनलाइन भी रेफर करती थी ऑप्शनल के लिए, ऑनलाइन मटेरियल और चाणक्य का जो मेरे पास मटेरियल था वो सब मैं रेफर करती थी. फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो चुका है. एट द एंड ऑफ द डे एक स्टूडेंट के लिए यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें, और एनी का आज रैंक 9 है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अवैध साहब की भी एक मेहनत रही है. सवाल रहेगा प्रवास स्कीम से, क्या वाकई में एज ए स्टूडेंट आपको फ़ायदा मिला है? आपने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को क्रैक किया है, रैंक 9 है, क्या प्रवास स्कीम शुरुआती दिनों में या आज तक आपकी इस पूरी जर्नी में एक पॉजिटिव साथ दे पाया है? सर, आई थिंक अगर प्रवास स्कीम नहीं होती तो मैं जो सोच रही थी अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने का वो नहीं हो पाता. और मेरा था कि मुझे जम्मू में अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले तो वो उस लेवल का हो कि वो मेरी प्रिपरेशन को अच्छे से शेप कर सके. तो फाइनली जब मेरा रैंक अच्छा आया तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था चाणक्य IAS अकेडमी, वो मुझे मिल गया. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाना. दिल्ली यूजुअली क्रेज़ रहता है दिल्ली का, राजेंद्र नगर का, मुखर्जी नगर का, बट वो क्रेज़ लोग नहीं, वो क्रेज़ तक रहता है बिकॉज पैसा नहीं होता है, लोग नहीं कर पाते हैं. तो आई थिंक ये स्कीम्स बहुत हेल्पफुल हैं उन लोगों के ड्रीम्स को एक परवाज़ देने के लिए. अच्छा, कुछ 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 लोग ऐसे होते हैं यानी कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग्स करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे जो गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन्हें भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब. तो ऐसे हालात के बीच में जो बच्चा पैसा नहीं दे पाता है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है कैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, पढ़ने के लिए, उन बच्चों को किस तरीके से अपने इस कम्पिटिटिव इम्तिहान में तैयारी करनी है? अमीर का बच्चा तो पैसा देके किसी भी इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, लेकिन गरीब का बच्चा क्या करेगा? सर, जो जिस तरीके का ये एग्ज़ाम है, ये आपसे, ये अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करता है, ये आपसे उतने लेवल की नॉलेज एक्सपेक्ट करता है जितना सबको जनरल होती है, जनरल नॉलेज. वो आप नॉर्मल बुक, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ऊंची ऊंची कोचिंग की ज़रूरत है, बट आई थिंक आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी ये कर सकते हो. लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आई थिंक ऐसी जो स्कीम्स है जिससे मैं आई हूँ, क्योंकि आई एम तो वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट, तो इन ऐसी सब स्कीम्स का फ़ायदा लेना चाहिए. सेल्फ स्टडी का फ़ायदा होता है, सेल्फ स्टडी पहले है, लेकिन फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसके बाद ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि मतलब यू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन इन सम वे ऑर द अदर. काउंसलिंग, मॉक इंटरव्यूज. सर, मॉक इंटरव्यूज देना बहुत ज़रूरी है, आपको पता चलता है आप कहाँ लैग कर रहे हो. मॉक इंटरव्यूज नहीं दोगे तो आपको कुछ, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नहीं समझ नहीं आती है कि आप किस तरीके से दिख रहे हो, प्रेजेंटेबल हो कि नहीं, तो मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं. एनी, एक ऐसा गुरु जिसका बहुत बड़ा रोल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, आज आप ऑफिसर बन चुके हैं. सर, गुरु तो बहुत होते हैं, हर कोई आपका, जो आपकी आलोचना करता है वो भी आपका गुरु होता है, जो आपको सपोर्ट करता है वो भी गुरु होता है. तो पेरेंट्स का तो सबसे पहले आता है, पर उसके बाद जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जिस तरीके का आपको एनवायरमेंट मिलता है, फ्रेंड्स, फैमिली, इवन जहाँ पढ़ने आ रहे हो, तो वो सारी जगहें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो मेरे लिए तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, एंड फाइनली मुझे ये बताएं कि फैमिली का सपोर्टिव होना कितना ज़रूरतमंद, फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? सर, फैमिली तो स्टार्टिंग से सपोर्टिव थी और अभी तक सपोर्टिव है. वो तो मतलब आई थिंक फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आप नहीं कर पाते हो इतना, आप अपने अपनी पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाते. तो मेरे को लगता है कि फैमिली का बहुत सपोर्ट होना. थैंक यू. सो वेल, फाइनली एनी का रैंक 9 है, KAS के इम्तिहान का नतीजा सामने आया है, और प्रवास स्कीम से एनी को फ़ायदा मिला है. इनका ये भी मानना है कि स्कीम की बदौलत ही इनके मुस्तकबिल में, इनके फ्यूचर में जो है वो इनको बहुत ज़्यादा जो है वो वक्ती तौर फ़ायदा सरकार ने भी दिया है, और ख़ुद भी इनकी मेहनत का ये क्रेडिट जो है वो इनको ही मिलता है. ओवेस जी, आप
यहाँ पे ऑफिसर्स को तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स को हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ऑफिसर्स, मुस्तकबिल के ऑफिसर्स को, प्रवास स्कीम से क्या वाकई में इन बच्चों को फ़ायदा हो रहा है? और प्रवास स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या ये वाकई में आपके इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने में, मजबूत करने में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं? नहीं, प्रवास स्कीम के बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, जो मैंने पिछले भी लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था, मैंने बोला था कि प्रवास स्कीम ने कैसे बच्चों को शेप दिया है। एनी जैसा स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन डायरेक्शन कहीं ना कहीं खो रही थी, है इन्होंने एग्ज़ाम दिया प्रवास में, उसके बाद इन्होंने हमें ऑप्ट किया और हमारे यहाँ से कोचिंग लिया पूरे साल। रैंक 9th है, पहले अटेम्प्ट में इनको इन्होंने क्लियर नहीं किया, इंटरव्यू ड्रॉपर है, सेकंड में रैंक 9th आया है, प्रवास स्कीम का बच्चा है। तलत है, तलत हमारे यहाँ दूसरा स्टूडेंट है प्रवास का, हालांकि इस टाइम अवेलेबल नहीं है, बट अगेन दो स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, क्योंकि इस साल ही हमने पढ़ाया, पिछले सितंबर से स्टार्ट किया था, इस साल हम एक्सपेक्ट इससे बेटर नहीं कर सकते थे एक साल के अंदर। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा KES का या UPSC का, उसमें आप बेहतर रिजल्ट दिखोगे प्रवास स्कीम से। तो मैं समझता हूँ कि शाहिद सर ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ कि पैन इंडिया मैंने काम किया है चाणक्य IAS अकेडमी में मिलके, मैंने किसी भी सरकार को, वो चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी हो, इतना बड़ा एक कोई स्कीम मैंने स्टूडेंट्स के हित के लिए देखा नहीं है। क्या अवैध साहब, ये प्रवास स्कीम जो है ये एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है आज के वक्त में? आई थिंक प्रवास स्कीम रीढ़ की हड्डी इन अ सेंस कि जो पब्लिक सर्वेंट है, शाहिद सर जैसे अगर सिविल सर्विसेज के मैं इंसान हो और वो ये समझे कि सारे लोग पैसा नहीं दे सकते, बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, दे नीड देयर सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको चाहिए होगा, ताकि हम जैसे इंस्टीट्यूशंस को इम्पैनल करके उनको कोचिंग दे। अब रीढ़ की हड्डी एक्चुअली बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग एस्पायर कर रहे होंगे कि वो अपना प्रवास स्कीम में एग्ज़ाम दे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में वो तालीम हासिल करे। जैसे एनी ने रैंक 9th लाया है, आई थिंक ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स उन्होंने दिए थे पढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें क्रेडिट चाहिए इनका, इन्होंने खुद मेहनत की है, हमने गाइडेंस दी है, मेहनत इनकी सारी खुद की है, बट क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म इनको प्रवास स्कीम से शाहिद सर ने दिया है, दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट, कि ये सरकार को लगातार ये इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। अवेश भाई, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स जब इस गेट के अंदर एंटर होते हैं तो ये ख्वाब लेके आते हैं कि जब हम इस गेट से निकलेंगे तो ऑफिसर्स, और बहुत कम ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है, फिर घर वाले कहते हैं जी आप 3 साल से मेहनत कर रहे हो, नहीं क्रेक कर पा रहे हो, शादी करवा देते, कोई और सरकारी नौकरी ढूंढ लो, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो हार मान चुके हैं या जिन्हें लगता है कि उनके लिए सिविल सर्विसेज के इम्तिहान नहीं बने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मतलब सपोजिटली सिविल सर्विसेज में एक बार या दो बार में फेलियर आना, जैसे मैंने पहले भी बोला, आ सकता है। इसमें हर वो बच्चा जो हमें सुन रहा होगा, अगर वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रख सकता है कि इसमें फेलियर भी आएगा, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, कल को फेल होने से नहीं डरना है। इसमें वापस जैसे एनी ने बोला है कि इसी पार्किंग लॉट में, जैसे पहले भी मैंने रिपीट किया है कि एनी ने जब लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू बी हेयर, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो नेक्स्ट डे वापस आएगी और लाइब्रेरी में बैठेगी, क्लास में बैठेगी। नेक्स्ट डे मतलब आप इतने बड़े एग्जाम में फेल होते हो, आप जो है सिलेक्ट नहीं होते हो, नेक्स्ट डे आप वापस आके क्लास में बैठते हो, इतना बड़ा इसमें योगदान चाहिए आपको, मतलब इतना मेंटली आपको स्ट्रेंथ चाहिए। पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इनसे, पेशेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना सब्र करना पड़ता है? सर, पेशेंस तो ये एक टेम्परमेंट की बात होती है, बहुत ज़रूरी होता है, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपकी पेशेंस का ही टेस्ट है, आपकी परसिवियरेंस का टेस्ट है, क्योंकि आप इसमें बहुत फेलियर, कम सक्सेस होता है, ज़्यादा फेलियर्स होते हैं, तो उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। और आई थिंक मेरे फेलियर, मैं आप पीछे देखती हूँ तो, मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज इस सक्सेस की वैल्यू इतनी नहीं समझ पाती। तो मेरे लिए वो फेलियर, सर ने भी उस दिन जब मैं आई थी तो सर ने मुझे बोला था कि अच्छा है, कोई बात नहीं है, लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग, कि इसमें अच्छा है नहीं हुआ, क्योंकि जब सक्सेस मिलेगा वो तो मिलेगा ही तुमको, लेकिन जब तुम्हें सक्सेस मिलेगा तब तुम्हें इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, तुम्हें पता होगा कि तुम
तुम हम्बल हो जाओगी, ग्राउंडेड हो जाओगी। तो आई थिंक एनी जी, वैसे ना कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, जब तक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन इस सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए आपको क्या लगता है कि कितने सालों की मेहनत जो है वो होनी लाजिम है, ज़रूरी है, और कब तक इंसान जो है वो कोशिश करता रहे? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लाइक कब तक अपना मन बना के रखे कि नहीं 1 साल नहीं 2 साल 2 साल नहीं 3 साल? सर, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता होता है कि हम कितना हमारा लेवल है और हमें कितना लेवल अभी पार करना है, तो हमें अपना ग्राउंड पता होता है समवेयर और दी अदर। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 1-2 साल देने पड़ जाते हैं। 1-2 साल में तो पूरा उसका भी टाइम आ जाता है, एग्ज़ाम का भी टाइम आ जाता है, तो वो सब देना होता है। बट एट द सेम टाइम अगर हमें लग रहा है कि हम इसमें नहीं कर पा रहे, और 2-3 साल बाद आपकी ऐसी प्रिपरेशन होती है कि आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना, आप होते हो एक लेवल पे, तो आपको बस एग्ज़ाम देने होते हैं। तो आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ ये आपका प्लान ए होना चाहिए और प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान बी इज़ फॉर द लूजर्स। आई थिंक प्लान बी भी होना चाहिए बिकॉज वो आपकी प्रैक्टिकलिटी शो करता है। तो ओवर द टाइम जब आपको लग रहा है कि अगर नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आप लुक फॉर समथिंग एल्स, समथिंग विच इज़ योर इंटरेस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एनी जी हैं, रेक 9 है इनका, ओवेस साहब, जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश ने, और सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहली बार ही कर रहे हैं हम सरकार का शुक्रिया अदा, क्योंकि प्रवास स्कीम की वजह से ही इस बहन को जो है वो एक डायरेक्शन मिली, एक मुस्तकबिल के लिए कोशिश और एक चांस मिला। और वाकई में प्रवास स्कीम ने करके दिखाया। डॉक्टर शाहिद इकबाल के साथ साथ उन तमाम ऑफिसर्स का भी शुक्रिया करेंगे जिन्होंने सरकार से बात करके स्कीम को जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया। और चनक्या इंस्टीट्यूट वाहिद एक अकेला इंस्टीट्यूट है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और उम्दा काम कर रहा है, और जिस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे ऑफिसर्स को बनाया है। तो अगर मुस्तकबिल बनाना है तो चनक्या का दरवाज़ा खुला है, आप मेरे साथ आ सकते हैं और यहाँ पर आकर ओवेस साहब से मिल सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को और भी मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल के साथ साथ मुख्तलिफ और सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देखने के लिए लाखों नाज़रीन इकराम का। अस्सलाम वालेकुम।